सती को पंचत है, कहो सती किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई मुसीबत तो नहीं आई? सती कहने लगी, हो भोले बाबा जैसे गज रही वैसे अच्छी रही, अब हमें जब बताए दे ये विमान कहाँ जा रहे हैं। सती ने देखा आकाश की ओर, विमान जा रहे हैं। देवियां चहल पहल करती हुई जा रही हैं। सती जी कान लगी, बोले नाथ ये बताओ तो विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले, देखो एक समस्या हल नहीं हो पाई, दूसरी खड़ी कर दी, जो बतान करे। बोले हम, शंकर जी बोले यदि ये बता दिया तो तुम्हें भी बड़ा कष्ट होगा और न मानती हो तो सुनो, ये विमान जो तुम्हारे पिता हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने अपने घर में यज्ञ रचाया है और यज्ञ में भाग लेने को ये देवी देवता जा रहे हैं। तो सती कहन लगी, भोले बाबा ना तो हमें बुलाओ न तुम्हें बुलाओ, ऐसा क्यों किया हमारे पिता ने, निमंत्रण नहीं भेजा क्या? शंकर जी बोले, सुनो एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ दरबार लगा था, दरबार में सभी लोग मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, तभी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का आना हुआ। सभी लोगों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और हम भगवान के ध्यान में लीन थे तो उनका सम्मान करना भूल गए। इतने में वो नाराज हो गए, भरे दरबार में खड़े हो गए, समाज के लोगों मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह सती का शंकर जी से किया, रिश्ता में दामाद है शंकर जी मेरे, लेकिन इनको इतना अभिमान है कि हमें प्रणाम भी नहीं कर सके। आज से कोई भी हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, शंकर जी को भाग नहीं दिया जाए, क्योंकि बुलाने के लायक ही नहीं है, इतने घमंडी है। बोले बाबा, शंकर जी बोले तो सती मैंने ये शब्द सुने तो मैं रुका नहीं, वहां से चला आया। तुम्हारे पिता ने सोचा है सबसे पहले हम अपने घर यज्ञ रचाएंगे और हम ही नहीं बुलाएंगे तो कोई देवता फिर शंकर जी को ना बुलावेगो, तासे उनने यज्ञ रचायो, ये सब देवी देवता बही जाए रहे। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, तीन जगह पर बिना बुलाए जा सकते हैं। कौन कौन तीन जगह? अगर निमंत्रण नहीं आया, कोई कार्यक्रम है तो हम गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, निमंत्रण नहीं आया तो हम पिता के घर बिना कहे बिना बुलाए जा सकते हैं, तीसरा हम मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, तीन जगह। शंकर जी बोले, बतवा ठीक है, तीन जगह बिना बुलाए जा सकते। अगर किसी ने जानबूझ के नहीं बुलाया और आप वहां पहुंच जाओ तो क्या आपका सम्मान हो सकता है? नहीं, इसलिए विश्वास करो निमंत्रण नहीं आया। हे सती की भी श्वास करो है, बोले हैं भोले बाबा सती भी श्वास करो है, नहीं कोई निमंत्रण आया विश्वास करो।
सुनो। जो चाहता है उसे जाने दो, जो जा रहा है ना जाने दो उसे, जो चाहता है उसे जाने दो। पर ध्यान रखना तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जाओ। सती जी बोली भोलेनाथ हमारी सबे ने आ गई, इसी बहाने से मैं अपनी बहनों से मिले आऊंगी। अच्छा बोले बाबा क्रोध में आए, बोले सुनो यदि जाना है तो जाओ, जाना है ना चली जाओ, यदि जाना है तो अगर ध्यान रखना नहीं कोई निमंत्रण आया। मेरी प्यारी सती मान जाना, वहां जाकर लगे ना बोले भोलेनाथ चिंता ये कोई बात नहीं, बस क्या